शहर की मोबाइल शॉपिंग और मकानों में सेल मारी कर लाखों का माल चुराने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने घर दबोचा। आरोपियों में अभिजीत उर्फ अभिजीत सोमनाथ पांडे और उसका 17 वर्षीय साला शामिल है। इन दोनों आरोपियों को नंदनवन पुलिस ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से गिरफ्तार किया। आरोपियों की गिरफ्तार में पुलिस उपायुक्त राजतिलक रोशन के कार्यालय में साइबर सेल के पुलिसकर्मी दीपक तरीकर और मिथुन नाइक ने अहम भूमिका निभाई। शहर के 5 पुलिस कर्मियों का एक दल उक्त दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश गया था। दोनों आरोपियों से विविध कंपनियों के 40 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, गैस सिलेंडर व नकद 35,000 रुपए, दोपहिया वाहन सहित करीब 8,26,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। आरोपी अभिजीत पांडे अपने साले के साथ मिलकर नागपुर में चोरियां करता था। अभिजीत पांडे राजनगर वाठोड़ा नागपुर के जिस कमरे में रहता था उस कमरे में चोरी का माल ले रखता था। इसके लिए उसने उसी क्षेत्र में करीब 2 किलोमीटर दूर अलग से एक कमरा किराए पर ले रखा था। इसी कमरे में जीजा साली चोरी का माल छिपा कर रहते थे। करीब 1 माह पहले दोनों आरोपियों ने नागपुर में कई मोबाइल शॉपिंग और मकानों में चोरी की थी। चोरी का सारा माल दोनों आरोपी दोपहिया वाहन पर लेकर उत्तर प्रदेश गए थे। वाठोड़ा में एक मोबाइल शॉपिंग में चोरी करते समय दोनों दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। हालांकि दोनों आरोपियों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर चुराकर ले जाने की कोशिश की थी। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त राजतिलक रोशन ने सोमवार को अजनी स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि मुरलीनंदन नगर खरबी चौक निवासी मोहम्मद सैफ खान की वाठोड़ा में MS इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल शॉपिंग है। 18 जून को इस शॉपिंग से विविध कंपनियों के 40 मोबाइल और नकद 35,000 रुपए सहित करीब 4,35,000 रुपए का माल चोरी हो गया था। इस मामले की शिकायत नंदनवन थाने में दुकानदार मोहम्मद सैफ खान ने दर्ज कराई थी। बेड़गांव में सुमन मोबाइल शॉपिंग से लाखों रुपए का माल चोरी हो गया था। नंदनवन थाने में शिकायत दर्ज है। चोरी की खोजबीन के लिए उपायुक्त रोशन के आदेश पर दस्ता तैयार किया गया। नंदनवन के वरिष्ठ थानेदार विनायक चौहान की टीम और उपायुक्त कार्यालय के साइबर सेल के कर्मचारी इस कार्य में जुटे थे। पुलिस दस्ते ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, मुखबिर व अन्य तकनीकी उपयोग के माध्यम से आरोपी अभिजीत पांडे के बारे में जानकारी हासिल करने में सफल हो गए। पुलिस ने आरोपियों के बारे में सारी जानकारी हासिल करने के बाद उत्तर प्रदेश रवाना हुई। अभिजीत पर लकड़गंज थाने में 3 साल पहले 3 नॉट 3 बंदूक बेचने का मामला दर्ज हुआ था। यह बंदूक उसने 25,000 में उत्तर प्रदेश से खरीद कर नागपुर में लाकर बेचते समय पकड़ा गया था। पांडे के खिलाफ कलमनाथ थाने में लाखों रुपए की सुपारी चोरी का भी मामला दर्ज है। पांडे सुशिक्षित है, उसे सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल की लोकेशन इत्यादि बाबत जानकारी है। वह चोरी करने से पहले सर्वप्रथम सीसीटीवी का डीवीआर तार तोड़ दिया करता था। पुलिस के श्वान दस्ते को गुमराह करने गोल गोल घूमता रहता था। आरोपियों ने नंदनवन में 3, हुडकेश्वर में 2 और कलमना में 1 जगह पर चोरी की है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। तर दोन्ही एक वाठोड़ाला त्यांचे घर आहे आणि दुसरी फतेहपूर यूपीला घर आहे। तर यांचे जे मोडस ऑपरेंडी होते ते फर्स्ट रेकी करत होते की कुठे सीसीटीव्ही वगैरे नाही आहे आणि सीसीटीव्ही मध्ये पण येत आहे तर त्यामध्ये फेस कवर करून हा जात होते। तर हा जे डिटेक्शन झाले आहे ते खूप क्विक डिटेक्शन आहे। ते दाखल जे गुन्हा आहे तो 18 आणि 19 रात्री जे आहे त्यामध्ये घडले होते आणि लगेच ते 4-5 दिवसानंतर ते पूर्ण डिटेक्ट झाले, ज्यामध्ये 100% रिकवरी आहे। आणि एक शॉप होते MS इलेक्ट्रॉनिक्स अँड मोबाईल, ते खरबी चौककडे आहे आणि त्यामध्ये 40 मोबाईल गेलेले होते। पूर्ण 40 मोबाईल रिकवरी झालेले आहे। टोटल 4 लाखचा तो मुद्देमाल आहे आणि हा क्रिमिनलच्या इंट्रोगेशननंतर आणखी 5 गुन्हे डिटेक्ट झाले, ज्यामध्ये 2 नंदनवनचे आहे, 3 हुडकेश्वरचे आहे आणि 1 कलमनाचे आहे। तर टोटल 2 नंदनवनच्या, 3 हुडकेश्वर आणि 1 कलमनाचा गुन्हा आहे। आणखी त्यामध्ये 3 लॅपटॉप रिकवर झाले, हार्ड डिस्क रिकवर झाले, LCD TV आहे, गॅस सिलेंडर आहे आणि किरकोर काही बाकी वस्तू आणि टोटल 825,987 रुपीजचा मुद्देमाल जप्त केलेले आहे। ज्या प्लॅन विकण्याचे प्लॅन होते पण त्यापूर्वीच हा रिकवरी झाले आणि डिटेक्शन झाले। त्यामध्ये जे पहिला आरोपी आहे त्यांचे नाव आहे अभिजीत उर्फ अभिजीत सोमनाथ पांडे, त्यांचे वय 29 वर्ष आहे आणि त्यांच्यावर पूर्वी पण 4 गुन्हे दाखल आहे, ज्यामध्ये नंदनवनचे 2 गुन्हे आहेत चोरीच्या, 1 नंदनवनच्या BPX गुन्हे दाखल आहे 122-135 सेक्शनच्या, एक लक्ष्मीला आर्मसाईटचा गुन्हा त्यांच्यावर दाखल आहे आणि दुसरा विधी संघर्ष बालक आहे। आणि जे दोन्ही आरोपी आहे दोन्ही रिलेटिव आहे,
सेकंड विधि संघर्ष जे बालक है, फर्स्ट आरोपी छे, त्यांचे बायकोचे भाऊ है।